हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म किल बिल वॉल्यूम 1 से जुड़े कुछ अननोन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस बंदे ने तो सिर्फ अपने डॉग के लिए पूरे ब्लैक माफिया गैंग को खत्म कर दिया था। तो सोचिए, अगर कोई आपके होने वाले लाइफ पार्टनर और आपके बच्चे को ही मार दे तो आप क्या करेंगे? वेल, इसी रेवेंज को इस फिल्म में क्रूशल, डेंजरस और बहुत ही इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। इतना कि इस फिल्म को देखने के बाद आप भी इस फिल्म के दीवाने हो जाएंगे। और अपनी रिलीज के 17 साल कंप्लीट करने के बाद भी इस फिल्म की IMDb रेटिंग इस बात को दिखाती है कि आप लोग आज भी इस मूवी को कितना पसंद करते हैं। वेल, इस वीडियो में हम ये जानेंगे मूवी के इन ब्लडी एक्शन सीन को शूट करने के लिए डायरेक्टर ने किस टेक्निक का यूज किया था, और कौन कौन से एक्टर इस मूवी का हिस्सा होने वाले थे, और मूवी के कौन से सीन को बॉलीवुड से कॉपी किया गया था। किल बिल ये हॉलीवुड की मार्शल आर्ट बेस्ड एक्शन फिल्म थी। इस मूवी को रिलीज किया गया था 29 सितंबर 2003 को। इस मूवी में हमें मेन लीड कास्ट में नजर आए थे उमा थर्मन, लूसी लुई, विविका ए फॉक्स, डायलर हैना, डेविड कैराडाइन, जूली डेफ्रेस और माइकल मेडसन। इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा था उमा थर्मन और टैरेटिनो ने, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था क्विंटिन टैरेटिनो ने, जिन्होंने आगे चलकर इसके सेकंड पार्ट किल बिल वॉल्यूम 2, वंस अपॉन टाइम इन हॉलीवुड और हॉस्टल 1 और हॉस्टल 2 जैसी मूवी को डायरेक्ट किया है। इस मूवी का बजट रखा गया था $30 मिलियन और इसने बॉक्स ऑफिस पर $118 मिलियन का बिजनेस किया था और ये एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। लेकिन ये फिल्म सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म की रेस में काफी पीछे रह गई थी। 2003 में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली टॉप 4 मूवी थी लॉर्ड ऑफ द रिंग, फाइंडिंग नीमो, द मैट्रिक्स रिलोडेड और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन। इस मूवी को मीरामैक्स प्रोडक्शन के अंडर में रिलीज किया गया था और इस फिल्म की पॉपुलैरिटी को देखकर इसे 8.1 IMDb रेटिंग मिली हुई है। और अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। फैक्ट नंबर 1, क्वेंटिन टैरेटिनो ने कई बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट किया है और किल बिल उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और जब टैरेटिनो ने इस फिल्म की स्टोरी और स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया तो उनको इसकी स्क्रिप्ट लिखने में 6 साल लग गए थे। और आपको भले ही ये फिल्म 2 पार्ट में देखने को मिली हो, लेकिन स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग किल बिल एक सिंगल मूवी होने वाली थी। एक्चुअली जब टैरेटिनो ने इस फिल्म को कंप्लीट शूट कर लिया था तो इसकी लेंथ 4 घंटे से भी ज्यादा हो गई थी। तभी डायरेक्टर ने इसको 2 पार्ट में एडिट करके रिलीज करने का सोचा और बाद में इसके सेकंड पार्ट के लिए एक्स्ट्रा सीन को शूट करके किल बिल वॉल्यूम 2 के नाम से इसको 2004 में रिलीज किया गया। फैक्ट नंबर 2, बात की जाए फिल्म की कास्टिंग की तो उमा थर्मन टैरेटिनो की सबसे पहली पसंद थी, लेकिन वो बिल की कास्टिंग को लेकर काफी कंफ्यूज थे क्योंकि बिल का करेक्टर बहुत ही डार्क शेड करेक्टर है और इस रोल के लिए कई और एक्टरों का भी नाम सजेस्ट किया जा रहा था, जिसमें जैक निकोलसन, केविन कॉस्टनर, कर्ट रसेल, मिकी रॉक, बर्ट रेनॉल्ड और डेविड कैराडाइन का नाम शामिल था। और केविन कॉस्टनर को इस रोल के लिए एक टाइम पर सिलेक्ट भी कर लिया गया था, लेकिन वो उस वक्त अपनी फिल्म ओपन रेंज की शूटिंग में बिजी थे और फाइनली बाद में इस रोल के लिए डेविड कॉस्टनर को सिलेक्ट कर लिया गया। और वहीं दूसरी तरफ ओरेन इशी के रोल के लिए टैरेटिनो किसी जापानीज एक्ट्रेस को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने लुई लुई का काम शंघाई नून मूवी में देखा तो वो उनके काम से काफी इंप्रेस हो गए थे और उन्होंने लुई लुई को ओरेन इशी के रोल के लिए कास्ट कर लिया। और उन्होंने सिर्फ लुई लुई की कास्टिंग के लिए उनके इस करेक्टर को चेंज करके एक जापानीज अमेरिकन की तरह दिखाया ताकि लुई लुई इस रोल के लिए फिट हो सके। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में आपको उमा थर्मन का येलो कॉस्ट्यूम तो याद ही होगा। वेल, ये कॉस्ट्यूम इंस्पायर था ब्रूस ली की फिल्म गेम ऑफ डेथ से, जिसमें उन्होंने ऐसे ही येलो कलर का आउटफिट पहना था। फैक्ट नंबर 4, मूवी में आपको एक कार देखने को मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है पुसी वैगन, जो एक अडल्ट वर्ड है। वेल, इस नेम को थिएटर रिलीज में तो सेम रखा गया था, लेकिन जब इस फिल्म को टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया था तो इसके नाम को VFX की हेल्प से एडिट करके पार्टी वैगन कर दिया गया था। और फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद टैरेटिनो ने इस पुसी वैगन कार को खरीद लिया था और वो इस कार को ड्राइव करके अपनी फिल्म का प्रमोशन किया करते थे। और उन्होंने इस कार का तब तक यूज किया जब तक किल बिल वॉल्यूम 2 रिलीज नहीं हो गई। फैक्ट नंबर 5, मूवी का एक आइकॉनिक सीन आपको याद ही होगा, जिसमें एक समुराई उमा थर्मन की तरफ एक बॉल को फेंकता है और वो उस बॉल के 2 टुकड़े कर देती है। वेल, इस एक्शन सीन को बिना VFX की हेल्प से रियल में शूट किया गया था, जिसमें इस सीन को एक सिंगल टेक में शूट किया गया था। और इस सीन को प्ले किया था थर्मन की स्टंट डबल जोई बेल ने, जिन्होंने इसके बाद कई हॉलीवुड मूवी जैसे रेज, बिच स्लैप और मर्सनरीज जैसी मूवी में एज ए स्टंट डबल और मेन लीड की तरह काम किया है। और जोई बेल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक सीन को शूट करते वक्त उनकी बैक पूरी तरह से इंजर्ड हो गई थी, लेकिन उन्होंने इस बात को मेंशन नहीं किया था क्योंकि उन्हें ये डर था कि कहीं उन्हें इस फिल्म से निकाल ना दिया जाए। फैक्ट नंबर 6, मूवी में आपको एक जगह पर असैसिन का फाइट सीन एनिमे के रूप में देखने को मिला होगा और ये एनिमे फाइट सीक्वेंस सीन देखने में काफी मजेदार लग रहा था, लेकिन शायद आपको पता नहीं होगा ये सीन कहीं और से नहीं बल्कि अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री से कॉपी किया गया था।
जी हाँ, ये सीन इंस्पायर था बॉलीवुड की फिल्म से। टेरेटिनो ने 2010 में अनुराग कश्यप के साथ हुए एक इंटरव्यू में बताया कि मूवी में दिखाए गए इस एनिमे सीन का इंस्पिरेशन उन्हें हिंदी तमिल मूवी अलावदन से मिला था, जिसमें हमें मेन लीड कास्ट में कमल हसन नजर आए थे, जिसे 2001 में रिलीज किया गया था। और अगर आप चाहें तो इस मूवी का एनिमे सीन आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के एक्शन सीन्स तो काफी कमाल के थे, और इन सभी एक्शन सीन्स के स्पेशल इफेक्ट का सारा काम हॉलीवुड के फेमस मेकअप आर्टिस्ट क्रिस्टोफर एलन नेल्सन ने किया था, जो इस तरह की खून से भरी मूवी और बॉडी कटिंग सीन्स की पिक्चराइजेशन के लिए माहिर हैं, जो लैंड ऑफ डेथ और हॉस्टल 1 और हॉस्टल 2 जैसी मूवी में एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। और बात कीजिए इस मूवी की, तो इस मूवी में ब्लड को दिखाने के लिए टोटल 456 गैलन यानी 1726 लीटर रियल ब्लड का यूज़ किया गया था, और इन ब्लड सीन्स को दिखाने के लिए क्रिस्टोफर ने कई चाइनीज कॉन्डम का यूज़ किया था, जिसमें इन सभी ब्लड को भरकर एनिमी की बॉडी पर बांध दिया था, और जैसे ही कोई इन पर अटैक करता तो वो इन कॉन्डम्स बैलून को फोड़ देते थे, और इस तरह इन सभी सीन्स को शूट किया गया था। और इसके साथ ही फिल्म के बजट का $60,000 अमाउंट यानी 44 लाख रुपए का इस्तेमाल सिर्फ इन सभी तलवारों और इनकी एक्सेसरीज को बनाने में लग गया था। फैक्ट नंबर 8, वेल ये फिल्म हमें 2003 में देखने को मिली थी, लेकिन रियल में इसे 2001 में रिलीज करने की प्लानिंग की जा रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। एक्चुअली फिल्म की स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टर इसे जल्द से जल्द शूट करना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि थर्मन उस वक्त प्रेग्नेंट है तो उन्होंने शूटिंग शेड्यूल को एक साल के लिए होल्ड कर दिया था। लेकिन एक साल का इंतजार काफी लंबा था, और टेरेटिनो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि एक टाइम पर वो इस मूवी के लिए कई और एक्ट्रेस को सर्च करने लगे थे, लेकिन उनके पास उमा थर्मन से बेटर कोई ऑप्शन नहीं था, और फाइनली उन्हें शूटिंग को एक साल तक होल्ड करना ही पड़ा। और बात कीजिए फिल्म में उमा थर्मन के एक्शन सीन्स की, तो डायरेक्टर को लगा कि डिलीवरी के बाद थर्मन फिजिकली इन सभी एक्शन सीन्स को नहीं कर पाएंगी, लेकिन उन्होंने इस बात को गलत साबित कर दिया, और डिलीवरी के 3 महीने बाद ही उन्होंने मार्शल आर्ट्स और स्वॉर्ड फाइटिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, और वो दिन में 8 घंटे से भी ज़्यादा इसकी ट्रेनिंग करती थी, और उनकी ट्रेनिंग फेमस मार्शल आर्टिस्ट वेन वू पिंग ने करवाई थी, और ये वही ट्रेनर हैं जिन्होंने मैट्रिक्स मूवी में कियानू रीव्स को ट्रेन किया था। और टेरेटिनो ने उन्हें अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए 3 हॉलीवुड फिल्मों को देखने के लिए कहा था, जिसमें 1989 में आई द किलर, जैकी ब्राउन और अ फिस्टफुल ऑफ अ डॉलर मूवी शामिल थी, और ये सभी मूवी क्राइम और एक्शन पर बेस्ड थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म की लास्ट फाइटिंग सीन बहुत ही धमाकेदार थी, जिसमें एक सिंगल लेडी इन 95 लोगों को मार मार के इनका भरता बना देती है। वेल, जितना ही मजेदार ये सीन था उतना ही डिफिकल्ट था इस सीन को शूट करना। जी हाँ, इस 7 मिनट के सीन को शूट करने में मेकर्स को 8 दिन से ज़्यादा का वक्त लग गया था, और इन 8 दिनों में कोई भी एक्टर ना ही सेट छोड़कर गया था और ना ही वो नहाने गया था, और ये रूल उमा थर्मन पर भी लागू था, और इन सभी एक्टर को सेट पर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई गई थी, क्योंकि डायरेक्टर सीन की कंटिन्यूटी में किसी भी तरह की गलती नहीं चाहते थे। और इस एक्शन सीन के बीच में इसकी फुटेज का कलर ब्लैक एंड व्हाइट में देखने को मिलता है, जिसे डायरेक्टर ने जानबूझकर करवाया था। एक्चुअली सीन को शूट करते वक्त ब्लड को काफी अमाउंट में दिखाया गया था, जिससे मेकर्स को डर था कि इतने ब्लड सीन को देखकर सेंसर बोर्ड कोई ऑब्जेक्शन ना करने लगे और कहीं इस फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट ना मिल जाए, और इसी वजह से मेकर्स ने इन सीन्स की फुटेज को ब्लैक एंड व्हाइट में करने का सोचा, ताकि इन ब्लड के अमाउंट को हाइड किया जा सके। फैक्ट नंबर 10, इस सीन के बाद उमा थर्मन की फाइट लूसी लुई से होती है, और डायरेक्टर ने इन दोनों की फाइटिंग प्लेस को स्विच करके व्हाइट स्नो पर करवाया था। बेसिकली पहले इनकी फाइट को उसी प्लेस पर कराया जाना था जहां पर थर्मन ने इस पूरी गैंग को खत्म किया था, लेकिन बिहाइंड द सीन उस सीन को शूट करते वक्त फर्श पर इतना ब्लड फैल गया था कि इन दोनों की फाइट सीन को शूट करना तो दूर, वहां पर खड़े होने की जगह भी नहीं बची थी। फैक्ट नंबर 11, फिल्म में आपको गोगो यूबरी का कैरेक्टर तो याद ही होगा। डायरेक्टर पहले इस कैरेक्टर के लिए 2 सिस्टर को कास्ट करना चाहते थे, जिसमें गोगो और यूबरी 2 अलग अलग पर्सन होने वाले थे, और इस रोल के लिए चिकाई कुरियामा जिन्होंने गोगो यूबरी का कैरेक्टर प्ले किया था उनकी सिस्टर को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी फीस को लेकर मेकर्स इस बात के लिए एग्री नहीं हुए, और बाद में डायरेक्टर ने इन दोनों कैरेक्टर को सिंगल पर्सन की तरह ही इंट्रोड्यूस करवाया। और अगर कास्टिंग की बात की जाए तो इस फिल्म में सैमुअल जैक्सन का भी एक छोटा सा कैमियो है, जिसे शायद आपने मिस कर दिया होगा। वेल, मैं आपको बता देता हूँ, फिल्म के चर्च सीन में जो पर्सन पियानो बजा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सैमुअल जैक्सन ही थे। आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आपको इस फिल्म का कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आया, प्लीज़ हमसे कमेंट में जरूर शेयर करें। और अगर आप इस मूवी के सेकंड पार्ट के इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अगर ये वीडियो 300 लाइक कंप्लीट कर लेती है तो मैं इसके सेकंड पार्ट की वीडियो तुरंत ले आऊँगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम आपके लिए आगे कुछ इसी तरह मूवीज़ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहें। थैंक यू।